एंजाइटी कभी-कभी कुछ दिन बहुत हाई हो जाती है कुछ दिन बहुत लो रहती है है ना तो किस दिन तो आप फील करते हो कि आप या मेरे मॉक अच्छे हो रहे हैं मैं हो रही हूं मैं अच्छी हो जाऊंगी बट फिर आप प्रेशर देखने लगते हो कि कितना कंपटीशन है इस एग्जाम में कितने सारे लोग आ रहे हैं तो मैं बस ये एडवाइस करूंगी सो हाय एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ नबाद ग्रेजुएट 2023 टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज टुडे विद मी इज अ वेरी स्पेशल गेस्ट काफ़ी स्पेशल है इक्कीस साल की उम्र में पहली अटेम्प्ट में इन्होंने एग्जाम निकाल लिया है गाना पसंद है नाचना पसंद है खाना बनाना पसंद है और काफ़ी कुछ स्पेशलिटी है इनके बारे में सो सूर्यांशी आई वेलकम यू टू द चैनल एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द करेंट एस्पिरेंट्स वॉट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड basically. Uh, thank you, sir. First of all, uh, my name is Suryanshi Negam. I belong to the city of Lucknow. Uh, my graduation was in science, BSc, and currently I am pursuing a master's in economics. And uh, This uh, Nabad was my first attempt. I cleared it in uh, 2023 uh, and I, start, I prepared it for around uh, one year. Alright, Suryanshi, so we will be starting from the Nabad only.

माँ ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मुझे आर बी आई से बी ए नंबार एग्ज़ाम के बारे में पता चला था थ्रू माई एल्डर सिस्टर शी इज ऑल्सो शी वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स फॉर द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स एंड शी इज़ करंटली वर्किंग एट पी एफ आर डी एंड सो उस टाइम पता चल गया था सो वेन माई मास्टर स्टार्टेड आई डिसाइडेड दैट मुझे एक एग्जाम एक में प्रिपेयर करना है एंड वेन आई सो द एग्जामिनेशन आई मुझे पता चला कि सेबी एंड uh, सेबी के लिए आई नीड माई मास्टर्स So, I could not attempt that and RBI may it was expected that in 2023 it was going to be conducted in March, although it got postponed a little. So, by age I was not eligible, uh, I was not uh, 21. So, I thought that I should go for NABARD because I am eligible for it in 2023. बट वंस आई गॉट इन टू द प्रोसेस जब मैंने स्टार्ट जब मैंने सोचा था नाबार्ड के प्रिपेयर करने के पहले uh, के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आई डोंट इवन नो द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड बट जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना जब मैंने सोचा ओके दिस इज समथिंग आई शुड गो फॉर तो मुझे पता जब मुझे उसका वर्क डोमेन पता चला मुझे उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चला आई रियलाइज दैट दिस इज ऑर्गेनाइजेशन दैट आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड इन बिकॉज एवर सिंस माई चाइल्डहुड आई हैड दिस इंक्लिनेशन टू वर्क फॉर इन सोशल वेलफेयर सेक्टर एंड धीरे धीरे मैंने नाबार्ड के बारे में रिसर्च और करी और उनका यूट्यूब चैनल मैंने काफ़ी देखा एंड मैंने जो उनके प्रोजेक्ट्स देखे वेदर इट वर्स रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट और वेदर इट वर्स रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट रूरल रूरल वुमेन के लिए नाबार्ड के बहुत सारे एक्सेलेंट इनिशिएटिव हैं लाइक एस एच जी एंड एंड जे एल जी एसेट्रा

आई थिंक ऑल दो जब लोग फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं uh, हम लोग सब लोग इनकम के हिसाब से uh, सोचते हैं कि आई नीड टू गेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फर्स्ट बट साथ ही साथ हमें पूरी लाइफ में अपना एक वो सेटिस्फैक्शन भी चाहिए होता है कि जो हमें जिंदगी भर करना है तो उसमें मैं सेटिस्फाइड रहूँ तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी मेरी जो है मेरी जो लाइक uh, like, मैं जिस तरह मेरी इनर इंजीनियरिंग जो है तो आई विल बी बेस्ट

इवन स्टार्ट बिकॉज स्टार्ट करते हैं जब हम बिल्कुल फ्रेशर होते हैं एक से दो तो, uh, समझने में निकल जाता है कि क्या है एग्जाम में और क्या करना चाहिए सो हाउ डिड यू अंडरस्टैंड द एग्जाम कैसे आपने समझा इस एग्जाम को कि इनफैक्ट कुछ गलतियाँ भी रही होंगी स्टार्टिंग में तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ okay. सर आई हैव टेकन अप्रॉक्सिमेटली वन ईयर टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन आई स्टार्टेड इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू बी वेरी प्रिसाइज एंडेश आई थिंक वन ईयर कुछ लोगों को शायद थोड़ा ज़्यादा लगे बिकॉज कई लोग सिक्स मंथ्स uh, में करते हैं एंड एट मंथ्स में कर लेते हैं बट uh, मैं क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट थे जैसे मैंने बताया आई वॉज स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच इवन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो इंग्लिश तो ठीक होते है क्वान्ट रीजनिंग जो होती है वो भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था आई वॉज नॉट अ बैंकिंग एस्पेरेंट सो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से uh, किया दैट्स वाई आई टुक आई मैंने पूरा वन ईयर रखा था इसके लिए एंड अगर प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने हाँ पहले गलतियाँ करी हैं एंड थैंक गॉड मैंने वन ईयर उसको लिया hmm. था क्योंकि स्टार्टिंग में uh, मैं काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ रही थी जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती हैं मैं वो पढ़ रही थी uh, मैं बताऊंगी मैंने एआरडी पढ़ने में फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 मंथ्स लगाए हैं एंड आई थिंक इट विल बी वेरी ह्यूज कोई भी अगर सुनेगा तो क्योंकि मैं गलत पढ़ रही थी पहले इस वजह से आई वाज गोइंग इनटू द रॉन्ग डिटेल्स एंड सो जब आप थोड़ा पढ़ने लगते हैं एंड आप साथ ही में आप क्वेश्चन पेपर्स देखना चालू करते हैं जब मैंने चालू किया था तो फिर मैं देखती हूँ ओके ये क्वेश्चंस हैं मुझे इस तरीके से पढ़ना है स्कीम्स ऐसे पढ़नी है रिपोर्ट्स ऐसे पढ़ना है जी ऐसे पढ़ना है एंड ए स्टैटिक को ऐसे टैकल करना है क्योंकि ए आर डी स्टैटिक स्टैटिक एज वेल एज ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव सो ऑब्जेक्ट कैसे ही सेम मटेरियल को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है कैसे आपको उस पर डिस्क्रिप्टिव पे ध्यान देना है तो वो समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो इसलिए uh, मैंने इस टाइप की चीज़ें स्टार्टिंग में समझी

जैसे आपने बताया दैट यू वर फोकस्ड ऑन एनालाइजिंग द पास्ट ईयर पेपर्स एंड द सिलेबस तो उसने कितना हेल्प करा ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स तो रिजल्ट तो चलो आ गया है रिजल्ट नहीं भी आता इन दैट केस आल्सो हाउ हाउ इंपॉर्टेंट इज एनालाइजिंग द पास्ट ईयर पेपर एंड द सिलेबस सर आई थिंक पास्ट ईयर पेपर एंड सिलेबस दे विल हेल्प यू फ्रॉम गोइंग एक्सट्रे ओके okay, क्योंकि अगर आप इनके बिना कर रहे हो तो कोई डायरेक्शन नहीं रहता है जैसे आप जब आ, मैं पास्ट ईयर पेपर का फोल्डर पूरा अपने साथ हमेशा रखती थी अपनी स्टडी टेबल पे एंड द ऑन माय टेबल एंड स्पेशली पास्ट ईयर पेपर आपको ऑब्जेक्टिव में इतना हेल्प करेगा क्योंकि मैं मैं, रो, मैं रोज ऑलमोस्ट देखती थी एंड आई विल जब स्टार्टिंग था तब मैं ऑलमोस्ट रोज देखती थी तो आप जो आप एआरडी के जैसे चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो उसमें का ज्यादा होता है ई में आई का कम होता है वेटेज तो जो एआरडी का है नाबार्ड जो है वो बहुत डिटेल ओरियंटेड क्वेश्चन देखता है अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो बहुत डिटेल में पूछता है बहुत छोटे छोटे फिगर्स पूछता है बट उसमें भी वो किस तरीके से पूछ रहा है एंड कुछ चैप्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हॉर्टिकल्चर होता है एनिमल हस्बेंड्री होती है एंड एक दो बार होते हैं सॉरी आई एम फॉरगेटिंग तो चार एटलीस्ट चार पांच ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें बहुत डिटेल में क्वेश्चन आते हैं आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके okay, एंड उस पर आप खास करके फोकस कर सकते हो जैसे कि काओ की स्पेशीज हो गई कैटल की स्पीशीज हो गई तो उसमें से क्या पूछा जाता है फ्रूट्स एंड क्रॉप्स की डिजीजेस होती हैं तो उसमें से क्या पूछते हैं एंड वैसे तो आपको काफी चीजें पढ़नी होती है बट अगर आप खास करके उन चीजों पर फोकस करोगे जो जो एग्जाम फोकस करता है तो आपकी मतलब बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा

so let's start from the non merit section called reasoning english decision making computer awareness and then we'll talk about the merit section so uh, फेज़ वन में क्या स्ट्रैटेजी रही उसके बारे में बात करते हैं सो uh, सर so अगर मेरिट सेक्शन सॉरी नॉन मेरिट की अगर बात करें तो कौन चीज़ है इंग्लिश जो थी इंग्लिश uh, तो आई थिंक नाबार्ड में ठीक लेवल की आती है या किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप इंग्लिश uh, मीडियम से पढ़े हो तो इट इज़ ओके यू डोंट नीड एनी एक्सेलेंस इन दैट मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी बस मॉक्स करा था क्वार रीजनिंग का जैसे मैंने बताया कि आई वॉज नॉट अ बैंकिंग एक्सपेरेंट सो मैंने उन लोग के लिए uh, ए थे अड्डर ट्वेंटी फोर सेवन चैनल एंड मैंने प्री uh, स्टार्ट होने के थ्री फोर मंथ्स पहले तक करके रख लिया था एंड ऑल्सो यू डोंट नीड टू डेल टू मच इन कॉन्टेंट रीजन बिकॉज यहाँ पे आप पेपर देखोगे आरबीआई के लेवल की नहीं आती है से काफी कम लेवल की आती है एंड uh, uh, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए अगर आप फ्रेश कर रहे हो तो आप दो तीन अगर दो महीने भी अगर आप करो डेली टू आवर्स अप्रोक्स है ना नॉट फुल डे अगर मैंने दो आवर्स तक दिए थे दो तीन महीने एंड यूट्यूब वीडियो फॉलो करे थे तो उससे आपकी अच्छी हो जाएगी एंड ऑल्सो वन थिंग आई वु मैं आपको क्वेश्चन बहुत आपको uh, देखना क्वॉंट रीजनिंग uh, जो है आपको uh, करनी होती है क्वेश्चंस देख के ओके आपको सब नहीं पढ़ना होता है सिलेबस बहुत बड़ा होता है क्वॉंट रीजनिंग का आप देखो कौन से क्वेश्चन पीछे आते हैं वो भी रिपीट होते हैं नाबार्ड में एक वो भी पैटर्न है ऑब्वियसली आई नॉट से दिस हंड्रेड परसेंट गारंटी बट एक पैटर्न uh, होता है लाइक रीजनिंग में मैंने ऑब्जर्व किया था कि कौन से क्वेश्चन मैंने जो किए थे इन इक्वालिटी वन सेलोजिज्म वन एंड आई थिंक ब्लड रिलेशन एंड पजल uh, या सिटिंग अरेंजमेंट में से एक चीज़ अगर आप कर पाते हैं तो इट इज़ मोर देन एनफ अगर आप मैंने तीन चार टॉपिक्स ऐसे उठाए थे एंड उनके मैं देख रही थी कि मैं हर बार सॉल्व कर ले रही हूँ सो मुझे बस उतना ही रहना है और पेपर खोलते ही आपको पहले सबसे पहले अपने क्वेश्चंस देखने हैं उनको करना है इस तरीके से करना है सेम वॉज अ केस फॉर कौन मैंने चार पांच उसमें मैंने आई थिंक मिसिंग सीरीज था एंड फ्रैक्शन आई थिंक सम समथिंग तो दो तीन उसमें से मैंने इजी टॉपिक्स लिए थे जो मैं कर पाती हूँ एंड बस उनको किया था बिकॉज इट इज़ क्वालिफाइंग इट इज़ नॉट आपकी मेरिट नहीं बना रहा है तो क्वांट रीजनिंग को आप प्रैक्टिस करिए एंड एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रैक्टिस करिए दैट इज़ अनफ राइट Now let's come to other subjects, computer awareness and decision making. Decision making में इस बार बहुत लोगों की sectional cut off नहीं निकली. So what was your strategy in decision making? And जो uh, अभी current aspirants हैं, और जनरली हम क्या करते हैं जो कुछ मैंने देखा है ये बिहेवियर मैंने ऑब्जर्व करा है कि डिसीजन मेकिंग के तो दस क्वेश्चन है डिसीजन ही तो बनाना है बना लेंगे एग्जाम में कोई दिक्कत थोड़ी है सो वट वॉज योर स्ट्रेटेजी इन डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर बैनेस सर uh, मैंने डिसीजन मेकिंग की जब मैंने के क्वेश्चन देखे थे उन, उनका कट ऑफ देखा था, तो मैंने देखा था उसका कट ऑफ वन पॉइंट टू फाइव रहता है एंड मैंने देखा था कि दोनों दो ही दो ईयर हुआ है अभी तक ट्वेंटी वन 22 ट्वेंटी टू में तो मैंने देखा था दोनों ईयर में मेरा इतना तो कट ऑफ बन रहा है बट मैंने चांस uh, नहीं लिया था मैंने एक सोच uh, पकड़ के हर कोचिंग के निकलते हैं डिसीजन मेकिंग के नोट्स uh, तो मैंने उनके लेके uh, एक पीडीएफ कर ली थी इट इज़ नॉट वेरी क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग इजी आप मैनेजमेंट तो नहीं पढ़ रहे हो आरबीआई की तरह इट इज़ वेरी इजी आप द मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट दो तीन दिन बस लगाए थे प्री फ्री के पहले ही एंड वो थर्टी फोर्टी पेजेस की अप्रोक्सीमेटली थी एंड मुझे उनमें से फर्स्ट थ्री क्वेश्चन ही मैंने एग्जाम में जब देखा था तो मैंने फर्स्ट थ्री क्वेश्चन ही देखे थे वो उसमें से हैं एंड मैंने उनको सीधे सॉल्व कर दिया था एंड फोर्थ क्वेश्चन मैंने एक बफर के लिए कर दिया था uh, मुझे पता था कि वन वन रह, रहा है तो आट मार्क्स टू या टू चला जाएगा कट ऑफ उससे ज्यादा नहीं होगा फिर मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था मेरे

कुछ नोट्स बहुत डिस्क्रिप्टिव होते हैं कुछ बहुत कंसाइज uh, होते हैं अगर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हो तो फिर उन आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है उस पोर्शन में से वरना यू विल एंड अप रीडिंग एवरीथिंग। एंड कौन एंड ई एस आई में क्योंकि स्टैटिक का कम वेटेज होता है तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था मैंने आई थिंक कुछ बस नोट्स uh, से थोड़ा बहुत रेफर किया था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको किया था एंड uh, अगर ई एस आई में द सेकेंड पार्ट इज करेंट सो उसमें क्या चीजें होती हैं स्कीम होती हैं

सेम ही स्कीम पूछने का तरीका अलग होता है ओके तो स्कीम्स को मैंने काफी जिस तरीके से डिटेल ओरिएंट में होके नाबार्ड जिन क्वेश्चंस को पूछता है एंड अगर आपने इस साल का पेपर देखा हो तो फेज टू में बहुत तरीका बदल गया है है ना आ, मतलब स्कीम पूछना उसमें भी काफी डेप्थ में जा रहे थे एंड जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं जैसे कि उनको तो आपको बहुत डिटेल में करना है जितना कोई मटेरियल भी नहीं अगर मिल रहा है तो भी जैसे फॉर एग्जांपल नरेगा की इस बार फेज टू में क्वेश्चन पूछा गया था एंड दैट वाज सो डिटेल ओरिएंटेड कि uh, मतलब कि ये तो सबको पता होता है कि 100 डेज का मिलता है एंड 150 डेज का डॉट uh, में, में मिलता है बट एक क्वेश्चन आया था कि आई थिंक वाज इट ट्राइबल कि ट्राइबल लोगों को शायद कितना मिलता है तो वो तो मतलब मुझे कहीं भी नहीं मिला था एंड एम जी फ्लैगशिप स्कीम सो दैट इज द फॉल्ट ऑफ देंट की आपने क्यों नहीं किया किसी ने दिया नहीं वो नहीं फॉल्ट है एम जी नरेगा एक फ्लैगशिप स्कीम है वो मुझे खुद से डिटेल में जाके ढूंढना चाहिए था कि मुझे जितनी चीज होनी चाहिए वो एम जी नरेगा की एंड फ्लैगशिप बहुत ज्यादा नहीं होती है हार्डली अः आठ या बारह जो होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिन्हें आप फोकस करता ही है, है ना तो एम जी नरेगा उनमें से एक है तो उनको आपको बहुत डिटेल में करना है बाकी आप किसी कोचिंग मटेरियल का स्कीम्स कर सकते हो एंड सिमिलरली फॉर पीआईबी काफ़ी सारे मटेरियल होते हैं सर का भी काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है पीआईबी के ऊपर तो उसमें भी आप रिफर कर सकते हो uh, बाकी हाँ एंड आई वुड ऑल्सो से कि डोंट गो ऑन मल्टीपल रिसोर्सेस ये चीज़ मैं क्योंकि बहुत ज्यादा एंगजाइटी और फियर क्रिएट करती है मेरे अंदर क्रिएट करी थी मैं एक पर्टिकुलर सोर्स कर रही थी फिर मैंने देखा था कि अच्छा ये वाला मटेरियल भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड इनके uh, में बहुत सारी चीजें मिल रही हैं जो मैंने नहीं पढ़ी हैं सो so, कोई भी सोर्स कोई भी कोचिंग से आपको हंड्रेड परसेंट नहीं मिलेगा आप इतना समझ के रखो सो डोंट क्रिएट एंड फियर इन योर ओके आप जो कर रहे हो आप भी एक चीज पकड़ो उसको बस पूरा कर लो ओके okay? फिर आगे चांस है कि अगर उसमें से आता है कि नहीं आता है इट इज़ uh, आपकी आपके लक पे डिपेंड करता है बट अगर आप मल्टीपल सोर्सेस करोगे तो वो अननेसरी का आपके अंदर फियर और ट्रबल क्रिएट करेगा एंड तब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा करना ओके सो स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स को भी हाँ रिपोर्ट्स पे भी फोकस होता है बट इस बार के पेपर में ज्यादा फोकस नहीं हो पाया था बट हाँ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो होती है उन पर कर लें बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिपोर्ट पे मैंने ध्यान दे दिया था तो उनको आप करें बट उसमें थोड़ा आप लिमिट कर सकते हैं सिक्स मंथ्स कर सकते हैं मैंने नाइन मंथ्स के कर लिए थे रिपोर्ट एंड उतना फिर यूज़ नहीं रहा था एंड हाँ इनमें मल्टीपल रिविजन बहुत ज़रूरी हैं मैंने एक अपने सामने एक वाइट बोर्ड में रखती थी एंड उसके सामने मैं मंथ वाइज सब लिख देती थी एंड लिख देती थी कि स्कीम इस मंथ की स्कीम रिपोर्ट अन जीए ऐसे मैंने कॉलम्स बना दिए थे एंड मैं जितने रिविज़ंस करती जाती थी मैं नंबर बढ़ाती जाती थी उनके ऊपर मेरे सामने रहता था कि मैंने इस मंथ के कितने कर लिए एंड आई थिंक फेज वन के पहले मैंने तकरीबन 5 बार रिविज़ंस कर लिए थे उस वजह से काफी हेल्प मिलती है ऑलराइट सो नाउ सुलांची लेट्स टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट तो फेज 1 में और इनफैक्ट फेज 2 में क्या ओवरऑल एग्जाम में मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और uh,

बट uh, साथ में आपको ये ध्यान देना है कि मॉक टेस्ट से आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनहानस करना है उसके रिजल्ट पे बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देना है मैं देने लगी थी उस पर अः uh, जैसे मैं दो सो का कर रही थी एक में मेरी रैंक टॉप फाइव में आ रही थी एंड दूसरे में मेरी 90 के फार आ रही थी तो मुझे लग रहा था यार ये कैसा हो रहा है वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा है वो, वो अपने हिसाब से मैटर बनाता है तो आप बस अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए और ये है कि उसमें आपको टाइम से करना आएगा उसमें आपको बहुत सारी चीजें होंगी जो एंड वन थिंग आप रियल टाइम सिनेरियो लेके करिए लाइक ये नहीं की आ, एक सेक्शन कर लिया पॉज कर दिया खाना खा लिया है ना ऐसे मत करिए मैं जो भी टेस्ट करती थी उसको पूरा बैठ के चाहे फेज वन के हो चाहे फेज टू को और मैंने डेली किया मैंने आई थिंक ट्वेंटी थर्टी फोर काफ़ी मैंने लगाए होंगे फोर्टी मार्क्स तकरीबन लगाए होंगे एंड बाकी हाँ क्वेश्चन भी छोटे छोटे सॉल्व करते रहिए है ना अगर आपको फुल टाइम नहीं मिल रहा है एंड एनालस की सर आप बात कर रहे थे तो मैंने एनालिसिस इस तरीके से करी थी कि लाइक कॉन टीजिंग जो आपके साथ सेक्शन होते हैं फेज वन की बात करूँ तो मैंने एक ए फोर पेपर पे मैं अपनी परफॉर्मेंस नोट कर दी थी कि आ, मैंने सारे सेक्शन बना दिए जो हैं एंड उसके ऊपर मैं लिख देती थी मैंने कितने अटेम्प्ट किए कितने सही हुए कितने गलत हुए कितने गेस किए गेसेस में कितने सही हुए कितने गलत हुए है ना तो ऐसे मैंने एक चार्ट बना लिया था तो उस वो करने की वजह से मुझे समझ में आ गया कि आ, किन पार्ट्स में मेरे गेसेस सही जाते हैं किन पार्ट्स में मेरे गेसेस सही नहीं जा रहे हैं अभी तो वो नंबर करके लिखे रहते थे कि मैंने अच्छा छह गेस्ट करे इसमें से मेरे थ्री सही हो रहे हैं तो मैंने देखा था हाँ डिसीजन मेकिंग में मेरे गेस्ट सही हो रहे हैं तो एक आदमी थोड़े से मार सकती हूँ एंड कंप्यूटर में भी मेरे सही हो रहे थे काफी गेसेस तो उसमें मैं कर सकती हूँ जिसमें अगर मुझे लग रहा है कि इसमें गेसेस नहीं हो रहे हैं ज्यादा और किस तरीके से गेस्ट करना है वो भी आप धीरे धीरे आप सीख जाते हो आप जब मॉक्स करते हो क्योंकि जैसे फेज टू में जो था काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल पेपर ऑब्जेक्टिव मुझे लगा था आ, मुझे सिर्फ सिक्स और सेवन क्वेश्चन थे जो मुझे हंड्रेड परसेंट शोर्टी से आते थे बट मैंने किए ट्वेंटी मैंने ट्वेंटी क्वेश्चन नॉट हंड्रेड परसेंट गेट बट फिफ्टी फिफ्टी परसेंट वाले केसेस से किए तो वो चीज भी आपके अंदर मॉक्स के थ्रू ही डेवलप हो पाएगी आप जब मॉक्स करोगे डेली तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एलिमिनेशन किया जाता है एंड वो आपकी जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतनी अच्छी आपको एलिमिनेशन करना आएगा ऑन द फाइनल डे Wonderful. So I think it's it was a very wonderful approach that you followed because without analysis, came mock test the analysis, point. Right? Okay. So now let's talk about the strategy of phase two. So phase two, mein we have two papers: ESI and ARD, objective descriptive, and another is English descriptive. So let's talk about ESI and ARD first. Okay. सो ई एस आई ए आर डी में फर्स्ट आपका सेक्शन होता है ऑब्जेक्टिव विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर उसमें आपको ज़्यादा डिडिशनल नहीं करना होता है ई एस आई में आपको थोड़ा बहुत मंथ्स का एडिशन करना होता है बट वो भी uh, जरूरी नहीं होता है क्योंकि कई uh, लोग बताते थे कि नाबार्ड नहीं आगे रेफर करता है जब मतलब वो फेज़ वन के टाइम पर ही फेज़ टू का भी पेपर बना लेता है बट उसमें भी डिफेरियड व्यूज uh, मिल रहे थे कि मे भी चला जाए तो मैंने फॉर बी सेफ साइड रहने के लिए थोड़ा बहुत कर लिया था बट मैंने ज़्यादा डल नहीं किया था लाइक like मैंने अक्टूबर तो आई थिंक अक्टूबर मैंने छोड़ दिया था अक्टूबर नवंबर मैंने उसके बाद छोड़ दिया था सो so, आप कर पा रहे तो कर लीजिए बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा आपका ई एस आई एंड ए आर डी ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका सेम रहेगा एंड डिस्क्रिप्टिव पे बहुत ज्यादा अच्छे से मैंने ध्यान दिया था uh, मैंने आंसर राइटिंग फेज वन के बाद ही नहीं चालू की थी मैंने जब से मैंने चा, पढ़ना चालू किया था तभी मैं जो चैप्टर पढ़ती थी उसके साथ मैं एक दो आंसर एक आधा आंसर लिख लेती थी तो जो चीज मैंने फेज वन के बाद चालू की वो मैंने की थी कि टाइम के अकॉर्डिंग आंसर लिखना टाइम बाउंड आंसर लिखना तो वो करने में तकरीबन लग गया था अच्छा खासा टाइम एंड डिस्क्रिप्टिव पे कुछ लोग थोड़ा सा नेग्लेक्ट करने लगते हैं क्योंकि वो ईजी लगने लगता है है ना तो मुझे जो फायदा मिला डिस्क्रिप्टिव पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का वो ये था कि ऑब्जेक्टिव जो है उस पर आपकी मेहनत जितनी आपकी लगी है आपको जरूरी नहीं उतना रिजल्ट मिले पर मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश ऐसी चीज होती है कि आपको जितनी मेहनत आप करोगे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा मतलब जिस बंदे ने ज्यादा मेहनत करी है उसको अच्छे मार्क्स पक्के से वहां मिलेंगे वो लक पे डिपेंड करता नबार्ट अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा ओके सो आपने जो पढ़ा मे भी मैंने ऑब्जेक्टिव पे भी काफी मेहनत करी थी बट मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ मेरे अराउंड अभी मार्क्स तो नहीं आया बट मेरे थर्टी या थर्टी तकरीबन आ रहे लोगों के उससे काफ़ी अच्छे भी आ रहे हैं तो वो तो लग पे है कि भैया मेरे क्वेश्चन नहीं आए तो क्या कर सकते बट डिस्क्रिप्ट में मैंने मेहनत की थी एंड आई uh, मैंने सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड वर्ड्स के मैं क्वेश्चन वहाँ पे आंसर्स लिख पाई एंड फोर मैंने ऑलमोस्ट वर्ड कम्प्लीट कर दिया था एंड uh, एक चीज मैंने और करी थी uh, uh, लाइक like, uh, जो होता है कि एग्ज़ाम रूम का मैंने सुना मैं फर्स्ट टाइम पेपर कर रही थी मैंने सुना था कि एग्ज़ाम रूम में बहुत डिस्टरबेंस होती है टाइपिंग साउंड से एंड काफ़ी वहाँ उस वजह से परफॉर्मेंस खराब हो जाती है सो so, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था अगर आपके पास एक बार एक्सपीरियंस है तो फिर भी आपको शायद ना हो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था तो एक यूट्यूब uh, पे साउंड होती है की बोर्ड की एग्जाम रूम की मैं उसको प्ले करके मैंने तकरीबन एग्जाम uh, से ट्वेंटी ट्वेंटी डेज पहले मैंने उस पर उसकी हाइस्ट वॉल्यूम पे मैंने प्रैक्टिस करी है उसकी वजह से मुझे एग्जाम रूम में मुझे वन पर्सन डिस्टर्ब तो ये ये चीज़ एक बहुत बहुत अच्छी है है, क्योंकि मैंने कई लोगों से से सुना सुना था, था अपनी सिस्टर भी कि आवाज़ आती और मेरी थोड़ी ऐसी आदत है मेरी हमेशा जैसे लोगों की पढ़ने की आदत होती है मेरी हमेशा से बचपन से बहुत शांति में पढ़ने की आदत है कुछ लोग होते म्यूजिक के साथ पढ़ लेते हैं कुछ ऐसे पढ़ लेते हैं एक डिस्टर्बेंस भी नहीं वो टॉयलेट कर पाती हूँ

कूल मेंटेन cool करना एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग होता मतलब ये नहीं कि बहुत पढ़ते हैं। बट हर कोई एग्जाम रूम में अपनी कूल नहीं मेंटेन कर पाता ये चीज मतलब लोगों को समझ जानी चाहिए और एक वेस्ट करके नहीं समझनी चाहिए मैं, मैं मेरे सिस्टर से मुझे ये मैसेज मिला था उन उन्होंने सेबी का पेपर दिया था सो ओशी टोल उन्होंने वो उसमें इंटरव्यू में भी रीच करी थी बट उन्होंने बताया था कि उनका फेस टू बहुत टफ आ गया था उसकी वजह से शी लॉस्ट हर काम एंड उसमें उनका खराब हो गया था फेस टू सो मुझे ये था कि भाई ये तो नहीं करना है ये लेसन मैंने देख लिया था ये नहीं करना है मैंने सोच लिया था कि पेपर जैसा भी आ जाए उसको आप जो आपको आता है वो

मुझे बस बहुत अब काम रहना है एंड वो आपको प्रैक्टिस करना होगा अपने अंदर इंग्रेन करना होगा किसी भी तरीके से अपने अंदर इंग्रेन कर लो कि पेपर में बहुत कूल cool माइंड से जाओ चाहे एक दिन पहले तक एंजाइटी हो रही हो पेपर की मॉर्निंग आप बहुत कूल cool रहने चाहिए आप एंड ये भी आप कर सकते हो कि लाइक भीड़ लग रहा रहो मैं हर जगह ये कर रही हूँ फेज वन फेज टू फेज चाहे इंटरव्यू में हूँ मैं हमेशा लोगों से अलग रहती थी क्योंकि वो होता है कि वहाँ पे जाके लोग की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है वहाँ की उन लोगों की बातें सुन के खराब होने लगती है सो so, मैं तो बिल्कुल अलग जाके बैठती थी किसी भी कोने में मैं जमीन पे बैठ जाती थी चाहे फेस ऑन फेस टू हो बस ये है वो आपको हेल्प करता है कि हाँ मुझे अपने ब्रेन में रहना है मैंने जितनी प्रिपेयर है मैं आराम से कर सकती हूँ एंड ऑब्जेक्टिव में आपने uh, मेरा खराब हो गया था मुझे पता था उसके जस्ट तुरंत ही स्टार्ट हो जाता सब्जेक्टिव बट मैं ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल साइड कर दी थी मुझे था कि डिस्क्रिप्टिव मैंने बहुत अच्छी मेहनत करी है इसको मुझे बहुत अच्छा निकालना है and मेरी प्रिपरेशन से भी अच्छा मेरी डिस्क्रिप्टिव निकला था क्योंकि प्रिपरेशन के मतलब जब मैं आंसर टाइप करती थी कभी भी मेरा ये नहीं हुआ था कि सिक्स वर्ड मैंने कम्प्लीट कर दिए बट वहाँ पे मेरे कम्पलीट हो गए थे विच वॉज ड्यू टू द प्रेक्टिस विच वॉज बिकॉज मैंने ऑब्जेक्टिव में नहीं ध्यान दिया एंड कई लोग का बाद में ऐसा मैसेज लोग मतलब बात करते हैं तो पता चल रहा है कि वहां के ऑब्जेक्टिव की वजह से डिस्क्रिप्टिव खराब हो गया उसकी वजह से खराब हो गया तो उसको ना करिए बस मैं ये कह पाऊंगी एंड इंग्रेन कर लीजिए अपने अंदर कि नहीं इफेक्ट होना है और हाँ स्टार्टिंग के जैसे कि ऑब्जेक्टिव uh, में भी ये चीज होती है कि स्टार्टिंग के चार क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे बिल्कुल नहीं आते थे इट वाज समथिंग अबाउट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कि किसका नेम है तो वो चार क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे तो उसकी वजह से भी हो जाता है आपका बाकी का पेपर खराब लोग कहते हैं कि हाँ स्टार्टिंग का खराब हो गया इसलिए पूरा खराब हो गया तो उसमें भी आपको सेम चीज करनी है आप जितना आपको बस इतना ध्यान देना चाहिए जितना मुझे आता है मुझे वो हंड्रेड परसेंट करना है अब वो स्टार्टिंग के चार महीने नहीं किए बट मैंने बाकी के छब्बीस क्वेश्चन किए फर्स्ट के मुझे फोर का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था बट बाकी ट्वेंटी मैंने कर दिए

जैसे होता है कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है इंटरव्यू एक तो नाबार्ड के बारे में पढ़ना होता है एक आपको अपने आ, अपने बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना होता है एक आपको अपने बारे में पढ़ना होता है ये तीन चीज़ें बेसिकली होती हैं बाकी करंट लाइक न्यूज़पेपर वगैरह मैंने फॉलो किया था बट करंट में भी लाइक जो बहुत ही मेजर इश्यूज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बाकी स्पेशलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कोई बहुत माइनर न्यूज़ uh, है स्पेशलिस्ट लोगों के लिए तो उन लोग के लिए बाकी जर्नलिस्ट के लिए आप मेजर इश्यूज पे आप करंट पे भी ध्यान दो है ना तो ये चार बेसिकली चीज़ हो गई तो नाबार्ड के लिए मैंने uh, uh, काफ़ी डिटेल प्रिपरेशन की थी मैंने वेबसाइट को थरली किया था लाइक एक एक डिपार्टमेंट क्या क्या करता है एंड uh, आप, आपके स्टेट की पी आपकी होती है एस रिपोर्ट होती है आपके डिस्ट्रिक्ट की पी पी रिपोर्ट होती है और बाकी बजट इकोनॉमिक सर्वे ये सारी चीज़ें उस वक्त आई थी वो सब मैंने कवर करी थी बैकग्राउंड रिलेटेड आप बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते लाइक मेरे इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है तो जो मुझे नेचुरली आता है उतना ही मैं कर पा रही नहीं बा, बाकी थ्योरीज वगैरह में तो मैं नहीं जा पाई उतना पूछेंगे भी नहीं आपसे इकॉनमी पूछ मुझे लग रहा था इकॉनमी पूछेंगे ऐसे ही मुझे लाइक like, सीनियर से पता चला था कि इकॉनमी पर फोकस करेंगे वो तो अपने अपने बैकग्राउंड रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें क्या चल रही है लाइक अगर मेरे इकोनॉमिक्स था तो मैंने बजट और इकोनॉमिक्स

एंड uh, अगर मैं एक्सपीरियंस की इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इट वॉज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड मैंने जो भी प्रिपेयर किया था उसमें से लाइक like, बहुत कम आया ये एक्सपेक्टेड था कि इकोनॉमिक्स जो स्टूडेंट होते हैं एग्रीकल्चर के होते हैं उनके ऊपर टेक्निकल जाता है ये एक्सपेक्टेड था होता है लाइक like, और ट्रांसक्रिप्ट में मैंने देखा था बट मुझ पर बिल्कुल नहीं गया ओके इट वाज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरव्यू वाज वेरी

आपको लगता है कि आप इंक्लाइंड uh, हो आपको ये कैसे पता चला कि आपने कोई एप्स वगैरह यूज किए हैं लाइक like होते हैं पर्सनालिटी एंड एप्टीट्यूड वाले जो एप्स होते हैं तो मैंने कहा नो मैम आई हैवंट यूज्ड एनी एप बट आई रेड अ बुक कॉल्ड दी अल्केमिस्ट एंड ये एक तुरंत आंसर निकला था कि मैंने बुक पढ़ी है एल्कमिस्ट सो so, उसमें काफ़ी बात होती है इनर कॉलिंग के बारे में एंड आपकी अपनी डेस्टिनी फुलफिल करने के बारे में एंड दिस बुक वाज वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज उसने मेरा काफ़ी परसेप्शन चेंज किया था लाइफ की ओर एंड अपनी पोटेंशियल एंड अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर जो होती हैं तो मैंने मैम को वही ऑनेस्टली बता दिया था वो भी आंसर एंड थर्ड क्वेश्चन वाज अबाउट माय इंटर्नशिप आई डिड एन इंटर्नशिप इन माय एम इकनॉमिक्स कोर्स ऑन द टॉपिक एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन फॉर रूरल यूथ सो मैम आस्ड कि आपके क्या ऑब्जर्वेशंस uh, थे उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स आपने देखे कि लोग क्यों नहीं एग्रीकल्चर uh, को एडॉप्ट कर रहे हैं एंड उसके सोल्यूशन्स क्या हैं सो आई टोल्ड दो फिर मैम आर बी आई वाली मैम जो थी शी आज मी आई हैड डिबेटिंग एक्सपीरियंस इन माई स्कूल एंड माई कॉलेज एंड दैट वॉज मेन्शन इन माई डाफ ऑल्सो सो शी आज मी टू डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ माइ इंटर्नशिप लाइक एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन फॉर रूरल यूथ सो शी सेट मी शिटोल में टू कन्विंस रूरल यूथ टू अडोप्ट एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन अगर आपको आपको इसके ऊपर डिबेट करना है तो आप कैसे करोगे सो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अभी मार्क्स तो नहीं आए बट uh, मुझे लगा था कि वो uh, काफ़ी अच्छा पार्ट रहा मेरे इंटरव्यू uh, का वो डिबेट करना बिकॉज बाकी सारे जो आंसर्स थे वो ऑलमोस्ट uh, मेरे प्रिपेयर्ड थे एंड भले ही हम लोग वहाँ नेचुरली बोलते हैं जितना बट लोग को भी पता होता है कि आपने प्रिपेयर तो किया ही होगा ना कि एग्रीकल्चर इंटर्नशिप है तो आपको पता ही होगा ना वो तो आप आंसर प्रिपेयर करके आए हो बट जो डिबेट था वो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था एंड वो मेरा बिल्कुल नेचुरली मेरा बिल्कुल इम्प्रोव निकला था एंड कोई अगर नेचुरल स्पीच अगर कुछ भी निकलती है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इंसान नेचुरली बोल रहा है और वो मैंने बिना किसी स्टटर के फंबल के बोल दिया था आराम से एंड काफी पैशनेटली बोला था इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा ही पैशनेटली बोलने लगी क्योंकि बाद में जब वो, मैंने ओवर किया तो वुमन मैम

आपने जो इंटर्नशिप करी है आपने जो प्रॉब्लम्स देखी है उसमें उसमें बताइए नाबार्ड क्या कर रहा है उन प्रॉब्लम्स को रेमेडी करने के लिए नाउ यहाँ पे बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था इंटरव्यू का देअ आई सो वहाँ में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ मेरे लिए क्यों क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी थी टू चे वुमे मैम जब उन्होंने मेरी इंटर्नशिप के बारे में पूछा था प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन्स तो मैंने अपने आप से बता दिया था कि नाबार्ड क्या कर रहा है उन प्रॉब्लम्स को रेमेडी करने के लिए एंड सर आज मी अगेन

इसलिए एंड पार्ट में थोड़ा एंड आई थिंक वो क्वेश्चन इसलिए वो रिपीट क्वेश्चन मैंने एक दो ट्रांसक्रिप्ट में और देखा था कि क्वेश्चन रिपीट और लोगों से भी किया गया था कि जो वो बोल चुके हैं वो आंसर किया गया था फिर फिर से पूछा गया था तो मे बी वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कंपोजर आपकी कामनेस वो सब चेक करने के लिए करते हैं तो वहाँ पे आप काम रहिए एंड थोड़ा सा चेंज करके फिर से बोल दीजिए मैंने भी वही करा था एंड उन्होंने ये भी बोला था कि ये भी पूछा था कि आप अगर नाबार्ड में हो आप अपने आपको पार्ट पानो तो आप क्या करोगे अलग कुछ तो मैंने उसका भी एक आंसर बता दिया था कि Uh, मैंने ये देखा था कि कंट्री में हमारे अभी यूथ का इसीलिए पार्टिसिपेशन uh, नहीं है uh, क्योंकि एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन अभी बहुत बड़ा टैबू है कंट्री में है ना सोशल रिस्पेक्ट नहीं है अभी तो अगर नाबार्ड और हम लोग बाकी सारी चीज़ों के लिए तो कर रहे हैं इकोनॉमिक uh, उसको बाइबल बनाने के लिए काफी स्टेप्स हैं एफपीओ वगैरह एंड हर हर्थ मेकनाइजेशन भी किया जा रहा है बट एक एक जो हमारा सोशल माइंडसेट है ना नाबार्ड एग्रीकल्चर की ओर वो अभी आ, अभी भी वो है डाउन है चाहे जितना भी आप उसको कर लो तो आई थिंक नाबार्ड और गवर्नमेंट अगर इस पे काफी फोकस करें लेकिन एग्रीकल्चर को की रिस्पेक्ट बढ़ाना फार्मर की रिस्पेक्ट इनफैक्ट इस बार बजट में फार्मर नहीं अन्नदाता बोला गया था आई थिंक इट इज अ गुड डायरेक्शन तो उससे और हेल्प मिलेगी कि एजुकेटेड यूथ जो है हमारी एग्रीकल्चर पे आ सके एग्रीकल्चर एजुकेटेड यूथ जब आएगी एग्रीकल्चर में तभी मेकनाइजेशन बढ़ेगा तभी सब प्रसिशन फार्मिंग और ये सब एडोप्ट कर पाएंगे वरना तो अभी जो जनरेशन है हमारी फार्मर्स की एवरेज एज जो एज्टी वन ईयर्स है अगर ये बढ़ती जाएगी तब तो आप साइंटिफिक अप्रोचेस नहीं ला पाओगे तो मैंने ये बोला था कि नाबार्ड एंड गवर्नमेंट दे शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द सोशल इमेज एंड सोशल रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर तो आपका ऑब्जॉर्प्शन अपने आप बढ़ जाएगा यूथ का एंड पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा एंड विद दैट आई आई थिंक

तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती या एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है ऐसा कुछ इक्वेशन है नाबार्ड में ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको ऐसा समझ में आया होगा कुछ सर uh, uh, मतलब मैं अब वहाँ का मैं एग्जैक्टली exactly तो उनके नहीं बता सकती बट जहाँ तक तो मैंने जो चीज़ें सुनी थी लाइक like मैंने भी कुछ लोगों से बात किया था तो हर जगह यही बोला जाता है कि फ्रेशर्स अगर मेन्स क्वालिफाई करके आए हैं जो कि एक पर्सन uh, बहुत एक्सपीरियंस क्वालिफाई करके आ रहा है तो आपको प्रेफर किया जाएगा मैंने तो यही सुना था कि फ्रेशर्स को प्रेफर किया जाता है बिकॉज आपके आप अगर जो चीज़ यंग एज पे कर पाए हो सो इट मींस यू हैव हायर पोटेंशियल अदर पर्सन जिसने चार पाँच अटम बात किया है सो so, उस वजह से उनको प्रेफर प्रेफरेंस आई थिंक दिया जाता है एंड दे आर वेरी कॉर्डियल ऑल्सो लाइक कुछ कुछ में मैंने सुना था कि uh, वो एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं दे रहे थे लोग ऐसे बोल रहे थे कि दैट दे हैड न्यूट्रल एक्सप्रेशन एंड कुछ नहीं बोल रहे थे and मतलब हाँ ना कुछ भी कंट्रेडिकट नहीं करते बट मेरे में दे वर वेरी जोविल एंड दे वर वेरी स्माइलिंग ऑल द टाइम सो आई थिंक में भी मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कि मेरा फर्स्ट एक्सपी फर्स्ट इंटरव्यू तो मैंने अवेस में हो जाऊँ वहाँ पे में भी उसलिए या तो में भी दे हैड मतलब प्रेफरेंस क तो उस चीज को आप कभी भी कोई फैक्टर ना बनाइए क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में गए हैं एक एक अर्ली एज पे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे नजर से देखा जा रहा है वहां पे कि आप अगर आ, एक टफ एग्जामिनेशन है आप इस टफ एग्जामिनेशन को क्रैक करके फेज टू क्रैक करक करके आए हो सो इट मीन्स यू हैव गुड पोटेंशियल है ना और बाकी लोग और ये भी एक चीज होती है कि फ्रेशर आप जैसे मेरा पहला एग्जाम था मेरी फर्स्ट डिजायर थी ना बार बाकी लोग होते हैं वो भी दे यूजली मतलब करने को तो सबकी चॉइस इज गुड बट वो लोग सेकेंडरी ऑप्शन क्रिएट करके आते हैं नाबार्ड को तो आई थिंक ये भी चीज़ मे बी पैनलिस्ट को अच्छी लगती हो कि आप फर्स्ट टाइम में आप नाबार्ड ही सोच रहे हो आप दूसरी चीज़ पर नहीं जा रहे हो ओके okay, ये आपके लिए कोई सेकेंडरी चॉइस नहीं है वो मेरी मेरी प्राइमरी चॉइस है तो इस वजह से भी वो मे बी आपको अच्छा समझ सकते हो तो आई थिंक दे प्रेफर फ्रेशर्स अकॉर्डिंग तू मी व्हाट आई फेल्ड मी यस आई थिंक आयेज इज़ नॉट अ फैक्टर एस फर एस यू आर एबल टू जस्टिफाई योर पोटेंशियल इफ यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू आई मीन चाहे कुछ भी आयेज़ो यू विल बी डेफिनेटली सिलेक्टेड ऑलरेडी सुर्यांशी सो दैट्स ऑल व्हिच आई वांटे� आप या मेरे मॉक्स अच्छे हो रहे हैं मैं अच्छे हो जाऊंगी बट फिर आप प्रेशर देखने लगते हो कि कितना है इस में कितने सारे लोग आ रहे हैं तो मैं बस ये एडवाइस करूंगी की आप आ, सारी एक्सटर्नल नॉइज को आप म्यूट uh, कर दे कोई भी लाइक uh, like, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं कभी कभी लोग बहुत ज्यादा बात करते रहते हैं तो ऐसे अगर कोई चीज है अगर बहुत बड़ा आपका सर्कल है एक दो लोग का तो सर्कल ठीक होता है इट गिव्स यू क्वालिटी बट अगर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल नॉइजेस आ रही है तो उनको आप म्यूट कर दें क्योंकि वो एंग्जाइटी का लेवल बहुत हाई कर देती है कि लोग सब अपनी व्यूज़ देने लगते हैं कि अरे सिर्फ एक ही एग्जाम क्यों दे रहे हो एक साल इसमें क्यों लगा रहे हो ये भी करो बैंकिंग करो ये भी करो तो सब ऐसे आपके व्यूज आने लगेंगे इसलिए अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ और अपने प्रोज पर बिल्कुल ध्यान दें एंड अपने कन्विक्शन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करें मैं अ, जैसे कि इंटरव्यू में जैसे ये मेरे भी अर्लियर मिसकनसेप्शन थे कि मेरी यंग एज है तो मे बी लोग ना मुझे प्रेफर करें तो आप, आपको अपने प्रोज पर फोकस करना है, है ना आप अपने क्वालिटीज पे फोकस करें एंड अपने ऊपर पूरा कंप्लीट फेथ रखें एंग्जाइटी आ रही है तो एंगजाइटी फील करें बट एंगटी को अबेड भी करें ओके okay? सो so, एंग्जाइटी फील करेंगे मैं तो एक दिन पहले पहले फील कर रही थी बट उस दिन बस ना फील करें उस दिन आप अपने ऊपर हंड्रेड परसेंट जब एग्जाम का डे हो फेज वन फेज टू एंड इंटरव्यू उस दिन ना फील करें बाकी एंग्जाइटी इज नॉर्मल एंड जस्ट complete faith on yourself okay and i would like to uh, 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 wish luck to all the future aspirants uh, hopefully everyone not everyone but hopefully everyone that wants it tr truly but they get it uh, that's all first of all i like to congratulate you uh, for your success and your meticulousness at such a young age is really impressive I just want to know about your phase one strategy in a little more detail. So you told us that for non merit sections you had some strategy, but if you can tell us, tell the audience that did you had a set template in your mind that for quant I'll attempt five questions and that too I'll do in only five minutes. So the number of questions and the time, because you have the merit section as well. So did you had any set template in your mind through the mocks? If you can share that with us. यस, आई डिड हैव अ टेम्पलेट एज अ टोलर दैट मैंने सेक्शंस डिसाइड कर लिए थे क्वेश्चंस डिसाइड कर लिए थे कि इन uh, क्वेश्चंस को ही मुझे अटेम्प्ट करना है एंड उन क्वेश्चंस से कितने आते थे वो भी मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस से देख लिया था कि इनइवाल्टी से थ्री क्वेश्चंस आ जाते हैं फैट टॉक अबाउट रीजनिंग तो थ्री क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं एक सिटिंग अरेंजमेंट से कभी फाइव का, का आ जाता है कभी थ्री का आ जाता है है ना तो uh, मैंने जो मार्क्स अपने लिए सोचे थे आई थिंक मैंने कॉन टू रीजनिंग दोनों के लिए सोचा था कि सेवन uh, एट अगर आ जाए एंड अटेम्प्ट करने के लिए मैंने दोनों ही में अराउंड uh, टेन सोचे थे कि टेन अगर आ जाए एंड वो मैंने मॉक्स के थ्रू किया था आई थिंक अगर आप uh, प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहोगे तो फिर मैंने देखा था कि हाँ उस सेवन या एट के नीचे नहीं फॉल कर रहा है एंड आई थिंक कट ऑफ भी उतना नहीं गया था आई थिंक हाईएस्ट क्वार्ट में फाइव गया है मे बी एंड रीजनिंग का उससे कम ही रहता है थोड़ा तो एक टेम्पलेट आप डिसाइड कर लीजिए आई थिंक सेवन वुड बी अ गुड सेफ सेफ थिंग टू एम फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर बिकमिंग नवार्ड ग्रेड ए ऑफिसर माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंटरव्यू As you said that, uh, as you mentioned that you are a young and you appeared this for the first time. So was there any any time that there was a thought that okay there are some students coming for interview and they have even qualified uh, like they have appeared for mains of UPSC and interviews of UPSC and they might have left with few numbers. So there was any thought in your mind that these people will also compete with you on that day? And what was your take on this question? सर दिस वॉज माई ओन एक्सपीरियंस मैं जब जिस इंटरव्यू में जब बैठी थी हम लोग रूम में तो दो, दो तीन लोग थे वन ऑफ दम आई थिंक हैड गिवन टू इंटरव्यूज एंड वन हैड गिवन वन इंटरव्यू हैस सी सो मैंने जैसे कि uh, अपनी लास्ट एडवाइस में बोला कि एक्सटर्नल uh, नॉइस को हमें नलीफाई करना है म्यूट करना है सो so, मैं वहाँ मैं थोड़ा अलग बैठ गई थी मैंने सोचा था कि ओके okay, मैं किसी भी किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को अभी नहीं आने दूंगी uh, अब मैंने उसके पहले तक नहीं सोचा था ये सारी चीज़ें बट हाँ वहाँ जब मैं पैनल रूम में बैठी थी मैं देख रही थी क्योंकि मैंने ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैंने अपने आप को टोटली आइसोलेट किया एनी टाइप ऑफ टेलीग्राम ग्रुप एनी काइंड ऑफ दिस थिंग्स बट उस वक्त मैं देख रही थी कि हाँ बहुत लोग बड़े बड़े हैं यहाँ पे एंड मुझसे बड़े हैं एंड यूपीएससी कंट्री वो दे चुके हैं सो so, मैं अलग बैठ गई थी आई वाज जस्ट मैंने थोड़ा सा म्यूजिक लगा लिया था थोड़ा अपने लिए मोटिवेट करने लगी थी एंड मैंने बस इस मैं बस अपने अंदर ये सोच रही थी कि uh, मैंने हंड्रेड परसेंट वर्क दिया है मैं जितना दे सकती थी मैंने दिया है मैं ट्रूली पैशनेट हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन की ओर जो कि हर कोई नहीं होगा मैं हंड्रेड परसेंट पैशनेट हूँ इस वजह से मैं बस एक सीट डिजर्व करती हूँ और मैं एक सीट करके ही जाऊंगी लेकर ही जाऊंगी आई डोंट नो कि यूपीएससी वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे पर मैं एक जरूर लेके जाऊंगी मुझे एक सीट चाहिए मुझे बाकी से नहीं फर्क पड़ता है सो so, ये चीज आप बस अपने अंदर रखिए एंड हाँ इंटिमिडेशन तो फील होता है बट आप अपने आप को अगर अलग कर लें आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें तो फिर इंटिमिडेशन फिर बाद में नहीं फील होता जरा सा जैसे ही आए तो उसको तुरंत आप अलग कर लो तो फिर हट जाता है तो बस ये है कि इंटरव्यू को मुझे किसी भी तरीके से नहीं करना था अगर मैं सोचने लगती तो वो हो जाती एंड वो मे बी मेरी अच्छी स्किल नहीं निकलती मैं नर्वस फील करने लगती पे तो उसके पहले नहीं तो उसके बाद मैंने सोचा। <laughs> मैंने, मैंने बहुत सोचा thank you so much all right guys so that was suryanshi for us i hope you guys have enjoyed this conversation i hope you guys have learned something from it if you have learned something from it if you have enjoyed it do hit that like button and do subscribe to the channel and i will see you in in, in the next episode of NABAT grade a 2023 topper series thank you very much goodbye take care and god bless